हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या हम स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति सप्ताह होने वाली इस भगवत गीता कक्षा में। और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से इस प्रवचन को सुन रहे हैं जो कि खुद श्री भगवान के द्वारा दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंगलाचरण करेंगे जैसे कि शिष्ट परंपरा है। हर कार्यक्रम के आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय तत्सर्वं मूलकं तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ज्ञान रूपी अंधकार में मेरा जन्म हुआ, और मेरे गुरुदेव ने मेरी आंखों में ज्ञान रूपी अंजन लगाया जिसके कारण मैं इस अज्ञानता से भरे, अज्ञानता के अंधकार से भरे संसार में सब कुछ देखने के लिए काबिल हो पाया। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक आपका नेट चला गया। अभी ठीक है? जी एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव आचार्य हुई जिनका नाम था श्रीधर स्वामी। प्रभु जी, उनका नाम श्रीधर स्वामी, श्री श्रीधर, श्रीधर, श्रीधर स्वामी। तो वो बोलते हैं अपने एक श्लोक में लिखते हैं ऐसा कि गुरु की ग्लोरिफिकेशन में गुरु को ग्लोरिफाई करते हुए वो ऐसा लिखते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा हो तो मूकं करोति वाचलं, कि गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। और पंगुम लंघय तेग, कि जो अपंग है जिसके पैर नहीं है ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ लांग जाता है।
तो फिर कल्पना कीजिए, जब ऐसे गुरुदेव की कृपा किसी भक्त पे हो जाए, किसी शिष्य पे हो जाए, तो ये जो संसार सागर है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा उसे। बहुत बहुत शीघ्र ही वो संसार को, ये जो दुर्गम जिसको बताया गया, जिसको लांग पाना बहुत कठिन है, ऐसे इस संसार रूपी सागर को भी बहुत बहुत सरलता से वो पार कर जाएगा। तो वास्तव में हमें ये समझना चाहिए, ये भगवद गीता और इस प्रकार के अन्य शास्त्र, भगवान के नामों का जप, इतना सुंदर सुंदर मंदिर, उनमें अर्चा विग्रह की सेवा, वो केवल एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जिससे कि हम गुरु की कृपा को अट्रैक्ट कर सकें अपनी ओर, अपनी और एक गुरु की कृपा को हम अट्रैक्ट कर सकें, अपनी और खींच सकें, आकर्षित कर सकें। क्योंकि जब कोई वरिष्ठ वैष्णव हमें देखेंगे कि देखो ये तो बड़ा नादान बच्चा है और बड़ा मूर्ख है, ये इतना होने पर भी इतना इतने इतने क्रियाकलापों में फंसा हुआ है, जब वो इस बात को देखेंगे, लेकिन देखेंगे देखो फिर भी ये भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, भगवत गीता कहने का प्रयास कर रहा है, और भगवान के नामों का जप करने का प्रयास कर रहा है, मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो वो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वास्तव में ये जो ज्ञान है, जो हम अभी बाहरी रूप से सुन रहे हैं, ये हमारे हृदय में प्रकाशित होएगा। ये जो ज्ञान है ये रिवील होता है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, किंतु एक किसी वरिष्ठ वैष्णव की कृपा से ये ज्ञान रिवील हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि प्रभु जी भगवत गीता की क्लास हो रही है, तो आप गुरु का गुणगान क्यों कर रहे हैं इस क्लास में? तो आप टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, वैसे भी हमारे पास समय कम होता है। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता देना चाह रहा हूं क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है हम बहुत शास्त्र इत्यादियों का अध्ययन कर लें और भगवान की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, इन बुक्स की कृपा से हमें क्या हो जाए, हमें नॉलेज हो जाए, है ना, हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे हृदय में अहंकार आ जाए। और अगर हृदय में अहंकार आया इस बात का कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो जितना भी आपने पढ़ा है, सुना है, भगवान नाम जप किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो विफल हो जाएगा, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना भी हम सब कुछ कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और अगर हृदय में अहंकार रहेगा तो फिर कृष्ण प्रसन्न नहीं हो पाएंगे और हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम कितना भी इस नॉलेज को पढ़ लें, सुन लें, लेकिन वास्तव में ये इसका रियलाइजेशन जो है, इसका साक्षात्कार हमें तभी हो पाएगा, तभी हम इसको अनुभव कर पाएंगे व्यवहारिक रूप से, जबकि हमारे ऊपर किसी वरिष्ठ वैष्णव आचार्य की कृपा हो जाएगी। तो कई बार हिंदी में एक बात बोलते हैं, गुरु कृपा ही केवलम, कि मात्र अगर मेरे को कोई चीज मिलनी चाहिए तो सिर्फ गुरु कृपा मिल जाए, अगर गुरु की कृपा मिल गई तो सब कुछ जो है सरल रूप से
मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम कौन हैं, क्या हैं, और फिर हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमने पिछले बार पढ़ा इस दिव्य ज्ञान के विषय में, ये ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया गया, कहाँ से ये ज्ञान आया, ये सारी बातें हमने पढ़ी। और भगवान ने बताया कि अनेकानेक लोग इस ज्ञान को लेके मुक्त हुए हैं। और अब हम चौथे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, उसी अनुपात में, है ना, उसी मात्रा में मैं उसे फल देता हूँ। और इस प्रकार से जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी प्रकार से मेरे ही दिखाए हुए रास्ते का अनुगमन कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा भक्त, मेरा भक्त मुझसे जो चाहता है मैं उसे वही प्रदान करता हूं। अगर वो चाहता है कि मैं उसके साथ मित्र का व्यवहार करूं, अगर हम भगवान के साथ मित्र का व्यवहार करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ क्या करेंगे, मित्रता का व्यवहार करेंगे। अगर हम भगवान को पुत्र मान के उनकी सेवा करेंगे तो वो भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि माता पिता के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अन्य अन्य रसों में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और एक बात बहुत समझने वाली है कि इस भौतिक संसार में देखा जाता है कि सब आरंभिक दिनों में अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मुझे ये समस्या है, आप ये समस्या दूर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, ये अक्सर देखा जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की एक बहुत विशेषता है कि जब कोई भगवान कृष्ण के पास किसी भौतिक वस्तु को मांगने के लिए जाता है तो भगवान उसे वो भौतिक वस्तु प्रदान तो करते हैं, किंतु पहले उसका जो हृदय है उसको पवित्र कर देते हैं। अगर आप अन्य देवी देवताओं के पास जाएंगे और उनसे आप कुछ भौतिक वस्तु मांगेंगे तो शत प्रतिशत वो आपको वो भौतिक वस्तु प्रदान कर देंगे, बहुत बहुत आसानी से आपको वो भौतिक वस्तु प्रदान कर देंगे। किंतु वो आपके हृदय में जो काम वासना है वो उसको पवित्र नहीं करते, उसको शुद्ध नहीं करते। तो वो तो जो आप मांगोगे सिर्फ आपको उतना दे देंगे, लेकिन कृष्ण आपके हृदय में भी जो गंदगी है
उसको साफ कर देंगे सबसे पहले। और फिर वो आपको पूछ देंगे, तो इसीलिए कृष्ण के साथ बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप कृष्ण के पास जाओगे और सोचोगे कि मैं कृष्ण को ठग लूं, है ना, मैं ऐसा झूठा तिलक लगा के, कंठी माला धारण करके, धोती कुर्ता पहन के, और मैं भगवान कृष्ण के पास जाता हूँ और उनके भक्तों को ठग लूंगा या भगवान को ठग लूंगा, तो आप ध्यान रखिए भगवान जैसे को तैसा देने वाले हैं और वो आपके साथ ठगी कर देंगे। तो इसलिए हमको कभी भी जो ड्यूप्लीशियस नेचर है वो भगवान के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, हमारे अगर मन में कुछ इच्छा भी है तो हम कृष्ण के सामने उसको जाहिर करें, कृष्ण के सामने उसको प्रस्तुत करें। तो हमें झूठा बन के नहीं दिखाना है, नहीं तो कृष्ण हमको उसको ठग देंगे, हमको कोई झूठी चीज ही दे देंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में कि कोई भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य जो है संसार में, ज्यादा से ज्यादा सभी मनुष्य क्या चाहते हैं कि उनको कुछ कर्म फल मिले, परम पति, कर्म फल, कर्म फल, कर्म फल। और इसीलिए वो क्या करते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। आप देखेंगे भगवान शिव की पूजा करते हैं और माता, अब तो नवरात्रे जो है चालू हो गए हैं तो माता रानी की पूजा करते हैं कि माँ मैं 9 दिन व्रत रखूंगा या रखूंगी, मुझे कार दिला दो, है ना, मुझे घर दिला दो। तो इसलिए अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में, अलग अलग विधान बताए गए हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं, भगवान 12वें श्लोक में ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ऐसे कर्मों का फल बहुत शीघ्र प्राप्त भी हो जाता है। जो शास्त्र अनुमोदित कर्म है, जो यज्ञ इत्यादि बताए गए हैं कि पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ करो, पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ करो, है ना, घर चाहिए तो ये यज्ञ करो या इस देवी देवता की पूजा करो, तो उससे फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि भगवान यहाँ पे इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं मैं ऐसे कार्य नहीं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो पहले मैं उसका हृदय पवित्र करता हूँ, है ना, मैं उसे मुक्ति का मार्ग दिखलाता हूँ, मैं उसे वो वस्तु देता हूँ जिसे पाने के बाद वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। ना कि कोई ऐसा कार्य दे दूं जैसे गणेश प्रभु जाएं भगवान के पास, गणेश प्रभु भगवान के पास जाएं और भगवान को पूछे कि मुझे iPhone 13 दे दीजिए, तो भगवान आईफोन 13 दे तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और साथ के साथ क्या करेंगे, इनके हृदय में से जो इच्छा है आईफोन यूज करने की, उस इच्छा को खत्म कर देंगे, पहले इच्छा खत्म करेंगे और तब जाके आईफोन दे देंगे।
जैसा कि हम सबने कथा सुनी है सुदामा मित्र की, जो भगवान के फ्रेंड थे सुदामा, वो बहुत गरीब थे, सब जानते हैं सुदामा। और तो जो सुदामा थे ये बहुत गरीब थे, और ये भगवान कृष्ण के पास इनकी पत्नी ने इन्हें भेजा कि आप क्या करो, उनसे कुछ धन मांग लाओ, इतने बड़े राजा हैं आपके मित्र। श्री कृष्ण जी के पत्नी ने उनको भेजा है। सुदामा की पत्नी ने अच्छा उनको हाँ भेजा कृष्ण के पास। भाई तुम्हारे फ्रेंड हैं, इतने बड़े राजा हैं, तो जाओ उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो आप सब जानते हैं सुदामा जी जाते हैं और भगवान से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन धन नहीं मांगते। और जब वापस जाते हैं तो भगवान उन्हें धन देते भी नहीं। लेकिन जब वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां घर की जगह एक बहुत सुंदर महल बन चुका है, और उनकी जो पत्नी है बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषण उसने पहने हैं, सुंदर साड़ी पहनी है, बच्चे बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, घर से घी की खुशबू आ रही है, घी में खाना बन रहा है। तो भगवान को आप अगर कुछ नहीं भी कहेंगे तो जो आपको चाहिए भगवान उसे दे देंगे। लेकिन सुदामा जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो फिर अपने बीवी बच्चों को उस महल में छोड़ के, कि अब तुम आराम से रहो, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और फिर वो भक्ति करने के लिए वन में चले गए भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। तो इस बात से ये पता चलता है कि भगवान क्या करते हैं, भक्त के हृदय में जो इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। तो भगवान इस तरीके से कार्य करते हैं। और अब आप कहेंगे कि जब आप कह रहे हो कि भगवान सभी की इच्छाएं खत्म कर सकते हैं, भक्तों की इच्छाएं खत्म कर देते हैं, फिर तो भगवान का इच्छाओं पे कंट्रोल है। जो हमारे मन में इच्छाएं आती हैं जाती हैं, भगवान का उन पे कंट्रोल है। फिर तो अगर जितने भी इस संसार में बुरे कर्म हो रहे हैं तो ये तो फिर भगवान इसके भागीदार हुए। ये सब तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान आगे 13 श्लोक में बता रहे हैं कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सही तो लिखा है भगवान बता रहे जी। हैं। हाँ जी सही है। तो इन गुणों के अंतर्गत जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके लिए मैंने 4 आश्रमों का निर्माण किया है, मानव समाज के 4 वर्णाश्रम भगवान ने निर्माण किया है। वो क्या क्या है?
वर्ण अच्छा, उनको वर्ण, लग रहा है कि मेरा हाँ बीच में बंद हो गया था। हाँ बंद हो गया था, फिर से बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, भगवान ने इन तीन गुणों के कर्मों के अनुसार, जैसा जैसा व्यक्ति इन तीन गुणों में कार्य करता है, तो उन गुण और कर्मों के अनुसार चार वर्णों का, मतलब मनुष्य समाज के चार विभाग भगवान ने कर दिए, जिनको वर्णाश्रम बोला गया। वर्ण, V A R N A। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मचारी है ना, कि ब्रह्म ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, जी, वैश्य, एवं शूद्र। शूद्र। तो भगवान ने मानव समाज को चार विभागों में बांट दिया, इन प्रकृति के गुणों के अंतर्गत रह के कर्म करने के अनुसार। जैसे जिसमें सतोगुण, जिसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ सतोगुण है, उसको भगवान ने पहली क्लास में रखा, जिसको बोला जाता है ब्राह्मण। जिसमें सतोगुण की मात्रा है, जिसमें जिसके शरीर में सतोगुण अधिक है, उसे भगवान ने ब्राह्मण कहा गया। और क्षत्रिय, क्षत्रिय के शरीर में मोड ऑफ पैशन होता है, रजोगुण की मात्रा होती है। क्षत्रिय पूर्ण तरीके से कैसा रहता है? हमेशा रजोगुण में रहता है, लड़ने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए तैयार, और अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो हमेशा ऐसा राजसिक उनका खान पान होता है, तो इसलिए वो रजोगुण में रहते हैं। तो उसको, उनको क्षत्रिय बोला गया, जिनके शरीर में रजोगुण की मात्रा अधिक है, या कहें कि रजोगुण की जिनके शरीर में है, उन्हें क्षत्रिय बताया गया। और जिनके शरीर में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों समान रूप से हैं, उन्हें वैश्य बताया गया। और जिनमें सिर्फ देखा गया कि सिर्फ तमोगुण है, जिन लोगों में सिर्फ तमोगुण है, जिनका पूरा जीवन तमोगुण में है, उनको शूद्र कहा गया। अब यहाँ ये बहुत समझने वाली बात है, बाहर के संसार में बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये वैदिक परंपरा है, ये जो वैदिक साहित्य है, ये एक वर्ग को बहुत नीचे दबाते हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, दलित कहा जाता है, इनको नीचे दबाने के लिए ये सारी परंपरा बनाई गई है। किंतु भगवान यहाँ बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि गुण और कर्म, इनके अनुसार मैंने मानव समाज के चार विभाग किए, ना कि जन्म के अनुसार। अगर कोई कितने ही नीचे नीचे से नीचे परिवार में उत्पन्न हुआ है, किंतु जो उसका कर्म है वो ब्राह्मणों वाला है, उसके शरीर में सतोगुण की मात्रा अधिक है,
वो वैदिक ज्ञान के प्रति आकर्षित है, वो भगवान को जानने के प्रति आकर्षित है, जो वैदिक कार्य हैं उसमें उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो जन्म के अनुसार जो ये वर्ण परंपरा है, इसका खंडन इस बात से होता है। अगर कोई भी आपको कहता है इस तरह की चीज, तो आप बता सकते हैं उसको कि भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, ये हम लोगों ने गड़बड़ करी है। और फिर नीता माता जी, चार हाँ आश्रम डिफरेंट चीज है, ये अच्छा वर्ण, चार आश्रम अलग हैं, वर्ण अलग है, इन अच्छा दोनों को अच्छा मिला के वर्ण सॉरी, आश्रम बोला जाता है। अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं, अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ण वर्ण, हाँ, VARN है ना। VARN। हाँ अभी जो हम लोगों ने चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो वर्ण वर्ण है, वर्ण 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 है। है। हाँ आश्रम भी बता देते हैं, क्योंकि आश्रम का हाँ जब नाम आ गया तो आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम है। ब्रह्मचार्य, आश्रम ब्रह्मचारी, हाँ गृहस्थ, गृहस्थ, हाँ वानप्रस्थ, गृहस्थ के बाद, सॉरी वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ हाँ और सन्यास, सन्यास। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने तो इच्छा पूर्ति के लिए ये चार आश्रम बता दिए, और इन चार आश्रमों में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करने की छूट दी गई है। अलग अलग आश्रमों में कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इच्छा पूर्ति के, कि अगर आपको कोई इच्छा है तो किस प्रकार से उनकी पूर्ति होनी चाहिए, कि कुछ इच्छाएं जिनको प्रोहिबिटेड किया गया है, कि जिन्हें आपको नहीं करना है। जैसे ब्राह्मण के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर सकता, जैसे ब्राह्मण को किसी का भी वध करना मना है ना। तो अलग अलग आश्रमों के, अलग अलग वर्णों की अपनी अलग अलग ड्यूटीज हैं। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि मैंने तो चार भागों में उनको डिवाइड कर दिया, और जो जैसा कार्य करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए मैं क्या हूं, मैंने ये व्यवस्था बनाई है, लेकिन इस बात को तुम जानो कि मेरे ऊपर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको भोगेगा भी वही। और फिर भगवान आगे 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं सारे कार्य करते हुए भी सभी कर्मों के फलों से मुक्त रहता हूं। भगवान कहते हैं कि मैंने ये पूरा संसार बनाया है, किंतु मुझ पे किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ना ही भगवान किसी भी कर्म फल की कामना करते हैं,
वो अगर कोई कार्य करते हैं उनको फल की भी चिंता नहीं रहती। तो कार्य करने के बाद उन्हें फल की भी चिंता नहीं है और कुल मिला के वो सभी तरीके से इस संसार से मुक्त हैं। जितने भी मेटीरियल रिएक्शंस हैं इस भौतिक संसार में कर्म करने से जितना भी बंधन प्राप्त होता है, दुख और सुख प्राप्त होता है, भगवान उन सुख और दुख से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। उनको इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून भगवान कृष्ण पे लागू नहीं होता। वो अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो उनकी अपनी इच्छा है। उनपे बंधन किसी का नहीं है, उनपे जोर किसी का नहीं है। वो अपने आप से उस कार्य को कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं, हमने पहले सुना भी कि बारिश के कारण अन्न उत्पन्न होता है, लेकिन वर्षा को उस चीज का कोई प्रभाव नहीं है। बारिश को उस बात से कोई प्रभाव नहीं है। वो तो समुद्र पे भी बरसती है, नदियों में भी बरसती है। वो इस बात को सोच के जो है, बादल जो है इस बात को सोच के नहीं बरसते कि मेरे को जो है अन्न उगाना है। तो इसीलिए वैसे तो वो सोर्स जो है अन्न उगने का, सब्जियां फल फूल इत्यादि सब कुछ उगने का जो सोर्स है वो वर्षा है। किंतु सोर्स होने के बावजूद भी वो क्या मुक्त है, किसी तरीके का रिएक्शन जो है वर्षा को नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान के द्वारा ही इस संसार में सब कुछ किया जा रहा है। ये इतने बड़े बड़े ग्रह इत्यादि हैं, भगवान आगे बताते हैं कि ये जो सूर्य है चंद्रमा है ये प्रकाश दे रहे हैं, ये मेरे डर से चल रहे हैं। भगवान के डर के कारण ये जो सूर्य चंद्रमा है हमेशा टाइम पे होते हैं और टाइम पे अस्त हो जाते हैं। हम देखते ना एक टाइम होता है बिल्कुल समय पे चंद्रमा उगेगा, चंद्रमा जो है अस्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरे डर के कारण चलता है। तो सब कुछ भगवान से चल रहा है, किंतु इतना होने पर भी भगवान को कोई कर्म फल नहीं है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो चीफ जस्टिस हैं और शायद प्रधानमंत्री भी, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जज होते हैं और प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, तो अगर अगर कोई व्यक्ति एक बार चीफ जस्टिस बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बाद वो अगर इन तीनों पोजीशंस पे ना भी रहे, तब भी उसे किसी भी सूरत हाल में उसको जेल में बंद नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई गलत कार्य कर भी दे तब भी उसको जेल में नहीं बंद किया जा सकता। तो आप सोचिए भगवान कृष्ण तो इस पूरे संसार को बनाने वाले हैं, तो भगवान पूरे संसार को बनाने वाले हैं, पूरा जो संसार है उन्हीं के अनुसार चल रहा है। और ये प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह ये सब तो बहुत छोटे लोग हैं भगवान के सामने। आप सोचिए जब स्टेट लॉज का,
जो भारतीय कानून है उनका इन छोटे मोटे लोगों पे प्रभाव नहीं है, तो वो तो जो है पूर्ण भगवान है जिन्होंने इस पूरे संसार की सृष्टि की है, तो वो किस प्रकार से इन छोटी मोटी चीजों में फंसेंगे? तो वो किसी भी चीज से लिप्त नहीं होते हैं। और अब आपके फायदे की बात बता देता हूं। भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक में, जो इस बात को जानता है कि मैं सभी कर्मों के फलों से मुक्त हूं और मैं कर्म फल की इच्छा नहीं रखता हूं, वो भी सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। वो भी पाप पुण्य इत्यादि कर्म जो इस संसार में बांध के रखते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। तो इसलिए अब हम जान गए हैं कि भगवान कृष्ण परम मुक्त हैं, तो इसलिए हम भी क्या हो गए, अपने सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त हो चुके हैं। ये हमारे फायदे के लिए है। और फिर भगवान 15वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से अनेकानेक मुक्त आत्माओं ने, अनेकानेक जो महान व्यक्ति हुए, मुझे इस प्रकार से जाना। लिबरेटेड सोल्स, तो जो ऐसी मुक्त आत्मा थी वो इस बात को समझ गए कि भगवान किसी भी चीज के फल से जो है बाधित नहीं है। और ये जो चार जो आश्रम है, चार जो वर्ण है, वर्णाश्रम परंपरा है, ये भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम्हें भी क्या करना चाहिए, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए तुम भी अपना कर्तव्य करो। और अर्जुन का कर्तव्य क्या है? अर्जुन का कर्तव्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस महाभारत युद्ध में लड़ना और विजयी होना। सभी प्रकार के कर्म फलों की इच्छा को त्याग के भगवान कृष्ण के लिए क्या करे, युद्ध करे। तो ये भगवान बहुत सरल शब्दों में अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान 16 श्लोक में बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म, हाँ, कर्म और अकर्म में क्या डिफरेंस है? तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि ये कर्म और अकर्म के बीच का जो अंतर है उसे समझने में बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। बड़े बड़े समझदार इंटेलिजेंट लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा जिसे जान के तुम सारे अशुभ से, है ना, जितने भी अशुभ हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि आपको ध्यान होगा अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारे भगवान के सामने प्रश्न रखे थे कि ये करना तो गलत है, ये करना तो गलत है, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। इस प्रकार से अनेकानेक प्रश्न भगवान के सामने अर्जुन ने रखे थे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं ज्यादा बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम ज्यादा सोच रहे हो कि तुम्हें कर्म के विषय में पता है तो तुम जान लो कि अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और इसीलिए अब इसे मेरे द्वारा सुनो। और भगवान 17th श्लोक में बता रहे हैं, 17वां श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म बताए। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म माने ड्यूटी। हाँ जी, कर्म माने ड्यूटी बोल सकते हैं ना कि नहीं? कर्म माने क्या? ड्यूटी, ड्यूटी। हाँ कह सकते हैं, मतलब कर्म मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हर प्रकार का एक्शन। हाँ, कोई भी एक्शन, एक्शन, नॉट ड्यूटी बट एक्शन। और भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों की डिटेल्स को समझना बहुत कठिन है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन तीनों को बहुत ढंग से, बहुत गहराई में समझे। क्योंकि अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाएंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म, अगर इन तीन प्रकार के आप कर्मों को समझ गए तो आप समझिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया, या यूं कहें कि सब कुछ समझ लिया। जो बाहर ऐसा झूठा प्रचलन है, लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, है ना, सब जगह आपने सुना होगा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो ऐसे खोखले सिद्धांतों से आप ऊपर उठ पाएंगे। तो ये वर्क इज वर्शिप का जो सिद्धांत है, ये सर्वथा झूठा सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। भगवान ने गीता में कहीं भी नहीं कहा कि कर्म ही पूजा है, ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। और कर्म को भगवान बहुत बारीकी से समझाएंगे कि कितने प्रकार के कर्म हैं, ये कैसे कार्य करते हैं और कैसे हमें इससे लाभ हो सकता है। और जब भगवान इतना जोर डालकर कह रहे हैं कि इन्हें समझना इतना कठिन है, तो मैं प्रेम निकेतन दास बिल्कुल भी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा आपको इन तीनों चीजों को 10 मिनट में समझाने का। इसलिए हम कुछ जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं और अगली क्लास में समझेंगे कि कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। भगवान 18 से और 24वें श्लोक तक ये समझाएंगे कि कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। आप में से जो भक्त कंफर्टेबल हो तो इन्हें पढ़ के आए। 18 से 24 जो श्लोक है इसको आप एक बार रीड करके आए भगवत गीता से, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। 18 से 24
और हम इसे डिस्कस करेंगे अगली बार इन श्लोकों पे 18-24 बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ इस भगवद गीता ग्रंथ को खत्म करना नहीं है, अपितु इसको समझना है। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग को कभी ये अवसर दोबारा ना प्राप्त हो डिटेल में समझने के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। और फास्ट ना करके हम थोड़ा स्लो चलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न आंसर्स ले सकते हैं क्या अभी, पूछ रहे हैं गणेश जी। हाँ जी, हाँ जी। उमा जी हैं, उमा माता जी। हाँ, वो वॉर के समय में, युद्ध के समय में एक पैर इस तरफ और एक पैर उस तरफ हो गया था। पाप है ना कृष्णा के ऊपर पैर ऐसे लगाना, अर्जुन अर्जुन के पैर उस उन पे लगे थे। हाँ हाँ अर्जुन ऐसा था कि अर्जुन मतलब कोई भी जो सारथी होता है और युद्ध के मैदान में बहुत आवाज हो रही होती है, तो इसलिए अगर दाई और मुड़ना है तो सारथी के दाएं कंधे पे पैर मारते हैं या कान पे जूती से जो है टच करते हैं, और अगर बाई और मुड़ना है तो बाएं कंधे पे पैर मारते हैं। हाँ। इस प्रकार का प्रचलन था, तो ऐसा हुआ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में तो भगवान को अधोक्षज कहा गया है। भगवान इतनी सॉरी प्रभु जी, मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा भगवान सा। को अधोक्षज, हाँ, पहले से थोड़ा बता सकते हैं, मैंने मिस अच्छा कर दिया। हाँ। मतलब ऐसा था कि जो सारथी होता है तो सारथी को अगर दाएं जाना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रथ दाएं जाए, तो जो योद्धा होता है वो बोलता नहीं है कि दाएं लो, वो सीधा लात मारता है दाएं कंधे पे या दाएं कान पर जो है पैर टच करता है जिससे कि दाएं मुड़ सके, और बाएं मुड़ना है तो बाएं कंधे पे लात का प्रहार करता है। और अर्जुन के जो सारथी थे वो भगवान कृष्ण थे, और ये भगवान कृष्ण की महानता को प्रदर्शित करता है कि सारथी बनने के बाद भी, इतना छोटा कार्य करने के बाद भी भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान छोटे हो गए, भगवान को कोई छोटापन नहीं हुआ। और क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है इसलिए अर्जुन को कोई भी पाप नहीं लगा। भगवान सभी पापों को, जब कोई भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत होता है तो ऐसे भक्त के सारे पाप भगवान अपने आप से खत्म कर देते, इसलिए उसे कोई पाप नहीं लगा। अच्छा, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, बाप रे वाव, कि पाप नहीं मिला उनको। कि हम लोगों को तो बहुत पाप हो जाता है, हम किसी को पैर लगाते तो नहीं, हम भी देखते हैं, अब जो आपका बेटा होगा या बेटी होगी, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप को मारते हैं, थूक देते हैं, पैर से भी मार देते हैं, है ना। जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको डांटते डपटते नहीं,
वो प्रेम से और बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देखो देखो मेरे को मारना मार रहा है, देखो मेरा बच्चा मेरे को मारता है, इसलिए ये सब संबंध की बात। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। बाप रे, कृष्ण जी इतने अच्छे हैं, और आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत कोटि प्रणाम आपको। गणेश जी हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज जितने आपने श्लोक हमको बताए हैं भगवद गीता से, सब समझ में आया। एक मैं पूछना चाहता हूं कि भगवद गीता में इतने सारे, बहुत सारे श्लोक हैं, है ना, तो कृष्ण और अर्जुन के कॉन्वर्सेशन को लेके, बातचीत को लेके, तो इतना टाइम लगाया होगा ये सब बात करने में। उस समय मैदान में क्या हो रहा था? वॉर के समय में ये सब हो रहा है, तो उस टाइम में ये जब बात हो रही है इन दोनों के बीच में, बाकी सारे क्या चुप थे? लड़ाई नहीं चल रही थी कि वॉर नहीं चल रहा था? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और तो आप जैसा कि सुनते हैं, अर्जुन सबसे पहले भगवान को बोलता है कि मेरा रथ इन सबके सामने लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध के मैदान में खड़ा है। तो तब तक युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। अभी युद्ध की सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। और कई आचार्य ऐसा भी बताते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद था, ये सभी लोग सुन रहे थे, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे तो सब सुन रहे थे। तो वहां किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चल रहा था, आराम से सब तसल्ली से थे। और पहले के समय में आज जैसा युद्ध नहीं होता था कि अगर अपने जो है शत्रु को देख दिया तो तुरंत मार दिया, पहले ऐसा नहीं होता। पहले पहले शाम को जो सूर्य ढलता है, सूर्यास्त होने तक ये सब लड़ाई करते थे, और उसके बाद जाके दोनों जो है साथ में बैठ के खाना भी खा लिया करते थे। दुर्योधन के खेमे में अर्जुन चला जाता था, अर्जुन के खेमे में दुर्योधन आ जाता था, या उस पार के जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे, वो इधर आ जाते थे, बातचीत करते थे आपस में, और सुबह फिर युद्ध करने लग जाते थे। तो बहुत अच्छा सिस्टम था ये युद्ध का। तो इसलिए और इस सब को होने के लिए बताते हैं लगभग कुछ 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे में भगवान ने सब कह दिया। ये पूरा कन्वर्सेशन जो है ये 1.5 घंटे में हो गया था। क्योंकि वहां पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा था, अर्जुन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, तो भगवान जो कह रहे थे वो तुरंत समझ पा रहा था। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे लिए एक्सप्लेनेशन है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरी अच्छा, वाइफ कह अभी रही है, टाइम खत्म हो गया है ना, जूम को बंद कर सकते हैं क्या? थैंक यू प्रभु जी। मेरी वाइफ कह रही है कि मैंने मैंने सुना था कि 7 दिन तक संवाद चला। अब मुझे उन्हें भी समझाना पड़ेगा कि नहीं, ये 1.5 घंटे का संवाद था।
सभी हंस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने बहुत अच्छे से सुना और आशा करते हैं ऐसे ही आप सुनते रहेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँ इसी प्रकार से वैष्णव और भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कुछ कह रहे थे क्या? सॉरी अच्छा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम सबको प्लीज ब्लेस करिए बोल रहे हैं गणेश जी। मैं प्रार्थना प्रार्थना करूंगा आपसे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू।